हर क्षण हम जो सोच रहे हैं, हर संकल्प इस शरीर के हर अंग पर असर डाल रहा है। और 2-3 सालों से हम जिस तरह से सोच रहे थे, धीरे धीरे चलकर वो शरीर में एक बीमारी का रूप लेता है। फिर डॉक्टर कहते हैं अपनी लाइफस्टाइल ठीक करिए, अपनी जीवन शैली परिवर्तन करिए। तो हम जीवन शैली में भी क्या परिवर्तन करते हैं? हम खाना पीना व्यायाम सोना यही परिवर्तन करते हैं, लेकिन जीवन शैली लाइफस्टाइल अर्थात मेरा सोचने का तरीका, मेरा बात करने का तरीका, मेरा व्यवहार करने का तरीका। हम सब निरोगी रहना चाहते हैं ना, हम सब निरोगी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं हमारे घर में भी सब लोग स्वस्थ रहें, क्योंकि अगर उनको भी कोई बीमारी हुई तो हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी, हम अपना घर बेच देंगे उनका इलाज करने के लिए। उनका इलाज करने के लिए घर मत बेचिए, लेकिन जब कोई बात आएगी अपने अहंकार को झुका दीजिए, घर कभी बेचना नहीं पड़ेगा किसी के इलाज के लिए। लेकिन उस समय मैं क्यों चुप रहूं, मैं ही क्यों बार बार सहन करूं, मैं ही क्यों ऐसे करूं, वो करते करते खुद के शरीर को भी तंग कर देते हैं और उनके भी शरीर को तंग करते हैं। घरों में व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की जरूरत है, नहीं तो अचानक अचानक बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं और वो बीमारी का कारण सिर्फ हमारा तनाव है। तो आपको लगता है कि गाड़ी या स्कूटर के डेंट पर मुस्कुराना सेहत के लिए अच्छा है? सेहत के लिए अच्छा है, हाँ जी या नहीं? अच्छा है ना, तो मुस्कुराना। मुस्कुराना मतलब इट्स ओके, हो गया, ठीक हो जाएगा। पूरी गाड़ी और स्कूटर टूट कर भी खत्म हो जाए तो भी इट्स ओके, हम तो ठीक है ना। लेकिन जब हम उसके लिए इतना परेशान होते हैं, चिंता होते हैं, तो हमें याद रखना है यहां पे भी असर पड़ रहा है, शरीर पर भी असर पड़ रहा है, उस समय नहीं दिखाई देता। तो पहली चीज, अगर मेरी किसी चीज का नुकसान हो जाए तो स्थिर। दूसरा, अगर कोई मेरे साथ व्यवहार सही नहीं कर रहा हो तो क्या उसके लिए हमें परेशान होना चाहिए? होना चाहिए क्या? अगर हमारे साथ कोई व्यवहार अच्छा ना कर रहा हो, हम उनसे प्यार से बात कर सकते हैं? कर सकते हैं? अच्छा, लेकर आइए अपने सामने, सामने वाला हमसे ठीक से बात नहीं कर रहा, या आप यहां आए इस ग्राउंड में, आपने किसी को देखा, आप जानते हैं उसको, आप जाने लगे थे उनसे मिलने के लिए, उन्होंने मुंह मोड़ के वो उस तरफ चले गए, सीधा सीधा इग्नोर। क्या आप उनसे जाकर प्यार से और सम्मान से बात कर सकते? कर सकते? नहीं कर सकते? कर सकते? नहीं कर सकते? करेंगे या छोड़ देंगे? कहेंगे उनको नहीं बात करनी तो मुझे क्यों बात करनी, छोड़ो, मैं ही हर बार झुकू सबके लिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये अहंकार, ये अहंकार जो हमें झुकने नहीं देता, मन को झुकने नहीं देता, तो शरीर भी अकड़ने लग जाता है। इसलिए झुकना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, शरीर का भी झुकना और मन का भी झुकना। जितनी बार मन को झुकने का चांस मिले उतना झुक जाना चाहिए, स्वस्थ रहेंगे। शरीर को नहीं, मन को जितनी बार झुकने का चांस मिले शरीर स्वस्थ रहेगा। ये नहीं गिनना चाहिए मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों चुप रहूं, मैं ही बार बार करूं, क्यों ना करूं, मैं स्वस्थ हूं तो मैं झुक सकती हूं। हो सकता है सामने वाला बीमार है इसीलिए तो झुक नहीं सकते। जो झुक नहीं सकते मतलब वो क्या है, वो तंदुरुस्त नहीं है। तो झुकने को गिनना नहीं चाहिए, मैं ही कितनी बार झुकूं, मैं ही कितनी बार झुकूं, झुको, जितनी बार झुकेंगे उतना शरीर के लिए भी अच्छा है। सामने वाला गलत व्यवहार कर रहा है, वो अपने मन की स्थिति से डिस्टर्ब है, वो परेशान है, हम क्यों परेशान हो जाते हैं उसके व्यवहार को देखकर? क्योंकि हमने यहां पर पकड़ के रखा है वो ठीक नहीं तो मैं डिस्टर्ब होंगे, ये वाली इक्वेशन। लेकिन जब हमें ये याद रहेगा कि वो ठीक नहीं, वो उनके मन की स्थिति, मेरे मन की स्थिति तो बिल्कुल सही है, तो मैं तो प्यार से और सम्मान से बात कर सकती हूँ कि नहीं? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं? फिर से आंख बंद कीजिए एक बार और सामने एक किसी व्यक्ति को चुन लीजिए आज, कोई एक, सब नहीं, एक किसी एक को चुनिए जो बार बार कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा अलग अलग व्यवहार करते रहते हैं, और आज पक्का कीजिए इनका संस्कार
इनका है, ये इनका संस्कार है। ये भी बदल जाएंगे लेकिन फिलहाल ये इनका संस्कार है। लेकिन मेरा संस्कार क्या है? शांत रहना, प्यार से बात करना, सम्मान देना, धैर्यता से बात करना, ये मेरा संस्कार है। और आज से मैं आत्मा ये पक्का करती हूँ, सिर्फ एक व्यक्ति के साथ पक्का कर लो अभी, आज से मैं पक्का करती हूँ कि जब जब भी ये ऐसा व्यवहार करेंगे वो अपने संस्कार से करेंगे, लेकिन मैं अपने संस्कार से करूँगी। और अपने आप को देखिए अभी करते हुए, क्योंकि उस क्षण जब आप अपने सही संस्कार के थ्रू करेंगे, आप अपने लिए खुशी बढ़ा रहे हैं, आप अपने शरीर के लिए स्वास्थ्य बढ़ा रहे हैं, आप अपने घर के वातावरण में सुकून बढ़ा रहे हैं, और आप सामने वाले को भी शक्ति दे रहे हैं, सिर्फ अपने संस्कार को पकड़ के रखकर। किस किस ने किसी एक को चूज कर लिया, चूज कर लिया एक को, बस सिर्फ इसी एक व्यक्ति को पकड़ के रखो अगले एक महीने तक, बाकी सबके सामने जो जो करना है वो करो, इस सिर्फ एक के साथ करो, और एक के साथ कर करके अपनी शक्ति को देखो, मेरे पास इतनी शक्ति है। और फिर पता चलेगा कि जो चीज हम एक के साथ कर सकते हैं वो तो हम, जो हम एक के साथ कर सकते हैं वो तो हम, वो तो हम हर एक के साथ कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा संस्कार है। हमेशा याद रखना है, जब सामने वाला ठीक से व्यवहार नहीं करता है, ठीक से बात नहीं करता है, उस क्षण के लिए सही, वो थोड़ी देर के लिए भावनात्मक रूप से बीमार है, कमजोर है। कमजोरी में दूसरे को शक्ति दी जाती है। एक बार हम एक हॉस्पिटल में प्रोग्राम कर रहे थे, नर्सेस थी सारी, जो हॉस्पिटल में सिस्टर्स होती है ना, सारी नर्सेस, तो उनसे ऐसे ही पूछा कि आपके जीवन में तनाव का क्या कारण है, तो मुझे वो लगा कि वो बोलेंगे रात को जागना, 24-24 घंटे सेवा करना, पर उन्होंने वो नहीं बोला। तो उन्होंने कहा जब डॉक्टर गुस्सा करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो मैं कल, आपको तो पेशेंट ही कितने अलग अलग तरह से डांटते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, कहते उनका हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता क्योंकि वो तो बीमार है, तो उनका हमें बुरा नहीं लगता। तो मैंने कहा जब डॉक्टर गुस्सा करते हैं वो भी बीमार है, तो वो सिस्टर बोलती है वो कहाँ बीमार है, वो तो ऑपरेशन कर रहे हैं। मैं कहा मन से बीमार है ना, उतनी थोड़ी देर के लिए, खुश नहीं है इसीलिए तो गुस्सा कर रहे हैं, जो खुश होता है वो गुस्सा नहीं करता है। तो अगले दिन एक नर्स ने फोन किया, कहती ये तो बहुत आसान है। मैं कहा क्या हुआ, कहते आज वो फिर आए ऑपरेशन थिएटर में और फिर उन्होंने किसी बात पर गुस्सा कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने गुस्सा किया, मैंने अंदर से सोचा वो बेचारे सर आज बीमार हैं, तो मुझे कुछ बुरा ही नहीं लगा उनका। मैंने उल्टा सोचा मैं इनका ध्यान कैसे रखूं, जैसे इनका मूड ठीक हो जाए उससे। ये सच है, लेकिन बात जब कोई शारीरिक रूप से बीमार होता है ना, हम उनका कितना ध्यान रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, हम अपना सब कुछ छोड़ के उनका ध्यान रखते हैं। लेकिन जब मन से कोई थोड़ी देर के लिए भी अपनी स्थिति से हिल जाता है, अर्थात परेशान, अशांत, गुस्सा, नाराज होता है, उस थोड़ी देर के लिए उसके मन में खुशी का अभाव है, कमी है। और जब वो कमी होगी तो उसका व्यवहार बदलेगा ही बदलेगा, अगर उस क्षणों के लिए हम ये समझेंगे इस समय ये अपनी स्वस्थ स्थिति में नहीं है, मुझे इसका भी ध्यान रखना है। और पता है क्या होता है, जब एक कुछ थोड़ा सा अलग व्यवहार करे भी, लेकिन सामने वाला सही व्यवहार कर ले, तो सिर्फ सामने वाले की खुशी नहीं बढ़ती, जो गलत व्यवहार कर रहा था उसको भी हमसे कौन सी वाइब्रेशन जाएगी, कौन सी जाएगी। अगर आप में से किसी को भी पूछा जाए ना, आप क्यों इतनी मेहनत करते हैं, सारा दिन क्यों इतना काम करते हैं, तो हर एक पता है क्या कहता है, मुझे अपने परिवार को खुशी देनी है। लेकिन काम से तो हम अपने परिवार को सम्मान दे सकते हैं, परिवार को खुशी हम तब दे सकेंगे जब हर परिस्थिति में हम स्थिर रहकर उनके साथ सही व्यवहार करेंगे, तब हम परिवार को खुशी दे सकते हैं, नहीं तो हम सिर्फ सम्मान और आराम दे सकते हैं। तो कर सकते हैं हम कि दूसरे का व्यवहार ठीक ना हो तो भी हम अपने आप को ठीक रखें, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। सिर्फ याद क्या रखना है, मेरे मन की स्थिति उन पर निर्भर, बोलिए मेरे मन की स्थिति उन पर निर्भर,
मेरे मन का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? आपके टीवी का रिमोट कंट्रोल किसके पास होता है? उसके बोलते मेरा रिमोट कंट्रोल, मेरा, मेरे पास रखो। क्योंकि जिसके पास रिमोट कंट्रोल होगा ना, उसकी चॉइस का चैनल चलेगा। इसी तरह मेरे मन का रिमोट कंट्रोल जब मेरे पास होगा तो मेरी चॉइस की चीज़ें चलेंगी यहाँ, नहीं तो कोई भी आता है बटन दबाता है और कुछ और ही चलने लग जाता है यहाँ। हम कहते हैं ना, अभी अभी मैं ठीक था, वो आया, एक शब्द बोला, मेरी सारी खुशी गायब हो गई। तो मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि उसके एक शब्द ने मेरी खुशी गायब कर दी। तो हम ये बोल रहे हैं कि उसके पास मेरा रिमोट कंट्रोल है। किस किस को देना है रिमोट कंट्रोल अपने मन का? और वास्तविकता तो ये है कि किसी के पास रिमोट कंट्रोल है ही नहीं। रिमोट कंट्रोल किसके पास है? हमारे पास है। हम उसके रिमोट कंट्रोल को यूज़ नहीं कर रहे हैं। खुश रहना